स्वागत है आपका सिमीज मसाला किचन में। मैं हूँ सिमी। तो चलिए आज बनाते हैं ये एकदम क्रिस्पी, एकदम खस्ता सा स्प्रिंग ओनियन लच्छा पराठा। कोई भी स्पेशल ओकेज़न हो, या आपके मेहमान घर पे आने वाले हों, या बस ऐसे ही आपका कुछ अच्छा सा खाने का मन हो, तो बनाएं ये बेहद स्वाद मज़ेदार खस्ता सा लच्छा पराठा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पराठा भी ऐसे ही बढ़िया सा बने, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। ये पराठा बनाने में बेहद आसान है और इसको बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बस आप भी पराठे को जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरह से रोल कीजिएगा, तो आपका पराठा भी बेहद खस्ता, बेहद स्वाद और एकदम लाजवाब बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले इसका डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है एक बाउल और उसमें डालेंगे एक कप पानी 200 ml, और उसमें डालेंगे एक टीस्पून सोल्ट और सोल्ट को अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे। और हमने लिया है प्लेन फ्लावर यानी मैदा 3 कप, वेट के हिसाब से देखा जाए तो 300 ग्राम, और थोड़ा थोड़ा करके मैदा हम इस बाउल में डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। सारे मैदे को हम अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। जब मैदा और पानी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम उसको हाथ से अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। थोड़ी देर तक नीट करने के बाद ये आटा आपके हाथ में चिपकना बंद कर देगा। अगर आटा अब भी आपके हाथ पर बहुत चिपक रहा है तो थोड़ा सा ड्राई फ्लावर हाथ पर लेकर फिर से आप इसे नीट करेंगे तो यह आपके हाथ पर चिपकेगा नहीं। डो को अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और फिर इसको क्लिंग फिल्म से ढककर या किसी प्लास्टिक के बैग से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जितनी देर के लिए हमने अपने डो को रेस्ट करने के लिए रखा है उतनी देर में हम स्प्रिंग ओनियन को चॉप कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए हमने लिए हैं 6 से 7 स्प्रिक्स ऑफ स्प्रिंग ओनियन, जिन्हें हम पतला पतला बारीक बारीक काट लेंगे। मैंने स्प्रिंग ओनियन को पहले ही धो लिया था और उन्हें एक तौलिए में पैट ड्राई कर लिया था। स्प्रिंग ओनियंस को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब तक के लिए हम इन्हें एक साइड पर रख देंगे। हमारे डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं और डो एकदम से बिल्कुल बढ़िया हो गया है, एकदम ग्लूई हो गया है। वर्क सरफेस पे थोड़ा सा ड्राई फ्लावर स्प्रिंकल करके हम अपने डो को बहुत अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हम अपने डो को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे।
फिर हम उस डिवाइडेड डो से स्मूथ बॉल्स बना लेंगे। एक प्लेट पर हम थोड़ा सा ड्राई फ्लावर छिड़क कर सारी बॉल्स को रखेंगे और फिर उनको एक क्लिंग फिल्म से या किसी एक प्लास्टिक बैग से ढककर 5 मिनट के लिए फिर से रेस्ट करने के लिए रख देंगे। बस अब हमारा डो लच्छा पराठा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसमें से हम एक बोल को लेंगे, वर्क सरफेस पे थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डाल के हम इस बोल को अच्छे से रोल कर लेंगे। बीच बीच में हम इसके ऊपर ड्राई फ्लावर स्प्रिंकल करते रहेंगे और बेलते रहेंगे। हमें इसको बहुत ही थिनली, बहुत ही पतला बेलना है, जितना पतला पॉसिबल हो सके। आप देख सकते हैं कि हमारा पराठा काफ़ी अच्छा पतला हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर इसको फोल्ड करके एक तरफ रख देंगे और अपनी दूसरी लोई को रोल करना शुरू कर देंगे। इस बोल को भी हमें उतना ही बड़ा बेलना है और उतना ही थिन बेलना है जिस तरह से हमने अपनी पहली बोल को बेला था। हमारी ये बोल भी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम वर्क सरफेस पे थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डालेंगे और पराठे को अच्छे से स्ट्रेच कर देंगे। हमने थोड़ी से बटर को मेल्ट कर लिया है। मैंने तकरीबन 50 ग्राम बटर को मेल्ट किया है। बस इसके ऊपर एक ब्रश से हम अच्छे से बटर लगा देंगे। फिर हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे स्प्रिंग ऑनियन, जिनको हमने पहले फाइनली चॉप कर लिया था। इसके बाद हम इसको एक और पराठा जो हमने पहले से बेल कर तैयार कर रखा था उससे इसको कवर कर देंगे। और इसके ऊपर हम एक ब्रश से मेल्टेड बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और जब सारे में बटर अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो हम एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे या एक नाइफ लेंगे, उससे 1/2 इंच के करीब इस तरह से स्ट्राइप्स काट लेंगे। और फिर एक कॉर्नर से इन स्ट्राइप्स को इस तरह से फोल्ड करना शुरू कर देंगे और फिर उसको दूसरी स्ट्राइप के ऊपर रखकर उसे भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे।
बस हमारा लच्छा परांठा बनाने के लिए एक बोल बिल्कुल तैयार है। और हम एक प्लेट में थोड़ा सा ड्राई फ्लावर छिड़क कर इस बोल को उसके ऊपर रख देंगे। और इसी तरह से हम अपनी दूसरी बोल को भी तैयार कर लेंगे। बाकी सभी बोल्स को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। फिर इन सब बोल्स को एक प्लेट पर रख के क्लिंग फिल्म से ढककर हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। हमारी बोल्स को फ्रिज में सेट होते हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम एक एक बोल को रोल करके उसका पराठा बनाना शुरू करते हैं। लच्छा परांठा की बोल को रोल करते हुए हम बीच बीच में थोड़ा सा ड्राई फ्लावर स्प्रिंकल करते रहेंगे ताकि ये वर्क सरफेस से चिपके नहीं। बस हमारा लच्छा परांठा सेकने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। हम एक पैन को मीडियम हीट पर गरम कर लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे अपना पराठा। और जब पराठा थोड़ा सा कुक हो जाए तो उसके ऊपर दोबारा से इस तरह से बटर स्प्रेड कर देंगे और पराठे को अलट पलट कर सेकते रहेंगे। पराठे को हमें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। क्रिस्पी परांठा बनाने के लिए एक साथ ही बहुत सारा बटर इसके ऊपर मत डालिएगा, बल्कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बटर इसके ऊपर स्प्रेड करते रहिए और परांठे को पलट कर सेकते रहिए। बस अब हमारा पराठा ऑलमोस्ट तैयार है। बेहद क्रिस्पी लग रहा है और दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। और सर्व करने से पहले हम अपने लच्छे पराठे को अच्छे से दोनों हाथों से स्क्रंच कर लेंगे, जैसे कि आगे वाले वीडियो में दिखाया है। आप सुन सकते हैं ना हमारा पराठा कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।